हेलो दोस्तों, आज के वीडियो में लॉ ग्रेजुएट्स के लिए भारत सरकार के संस्थान नीति आयोग में निकली यंग प्रोफेशनल की लेटेस्ट वैकेंसीज के बारे में कंप्लीट इन्फॉर्मेशन देंगे। तो दोस्तों, ऐसी ही लॉ रिलेटेड यूजफुल वीडियोस का नोटिफिकेशन पाने के लिए जल्दी से वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलिए आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। और लॉ ग्रेजुएट्स के लिए भारत सरकार के संस्थान नीति आयोग में जो वैकेंसीज निकली हुई हैं यंग प्रोफेशनल की, उसके बारे में डिटेल से जान लेते हैं। तो दोस्तों, इसका नोटिफिकेशन इसकी ऑफिशियल वेबसाइट www.neetiayog.gov.in इस ऑफिशियल वेबसाइट पर जाना होगा। उसके बाद इसके करियर सेक्शन में जाना होगा, जहां पर आपको ये देखिए सीरियल नंबर 2 पर जो है डिटेल्स मिल जाएंगी। डिफरेंट टाइप की वैकेंसीज हैं, जिसमें सीरियल नंबर 6 पर यंग प्रोफेशनल की वैकेंसीज हैं। इसका नोटिफिकेशन आपको राइट हैंड से मिल जाएगा और इस पेज का जो लिंक है हम आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उपलब्ध करा देंगे। तो चलिए थोड़ा डिटेल से जान लेते हैं। तो दोस्तों, आपके सामने स्क्रीन पर भारत सरकार के संस्थान नीति आयोग द्वारा जारी ऑफिशियल नोटिफिकेशन है। यहाँ पर लॉ ग्रेजुएट्स के लिए वैकेंसीज निकली हुई हैं और दूसरी डिफरेंट टाइप की हैं, लेकिन यहाँ जो लॉ ग्रेजुएट्स के लिए वो यंग प्रोफेशनल की वैकेंसीज हैं। नंबर ऑफ पोस्ट की बात करें तो यहाँ पर टोटल 4 वैकेंसीज हैं। ये कॉन्ट्रैक्ट बेस्ड जॉब है और यहाँ पर 2 ईयर का कॉन्ट्रैक्ट होने वाला है। एज लिमिट की बात करें तो 32 ईयर्स से बिलो एज होनी चाहिए, मीन्स 31 ईयर्स एज तक के कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं। सैलरी की बात करें तो 70,000 पर मंथ की सैलरी यहां पर आपको मिलने वाली है। क्वालिफिकेशन की बात करें तो आपके पास लॉ डिग्री होनी चाहिए, चाहे एलएलबी की 3 ईयर डिग्री हो या 5 ईयर डिग्री हो, उसके साथ कम से कम 1 ईयर का एक्सपीरियंस होना चाहिए। इस वैकेंसी के लिए आपको ऑनलाइन फॉर्म अप्लाई करना होगा इनकी ऑफिशियल वेबसाइट से, और अप्लाई करने की जो लास्ट डेट है 30 दिसंबर 2022 तक आप इस फॉर्म के लिए अप्लाई कर सकते हैं। और यहाँ जो सिलेक्शन है ओनली इंटरव्यू के आधार पर होने वाला है। जो शॉर्ट लिस्टेड कैंडिडेट्स होंगे उनको इंटरव्यू के लिए कॉल किया जाएगा और इंटरव्यू के सिलेक्शन के आधार पर यहाँ आपको जॉब करने का चांस मिलेगा। बहुत बहुत धन्यवाद।